हेलो दोस्तों, क्रिकोमेनिया में आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी क्रिकेट के रियल दीवाने हैं और आईपीएल और क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो देखना आपको पसंद है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आईपीएल की बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, बहुत बड़ा खुलासा हो गया है, अब आरसीबी नहीं खेलेगी आईपीएल में। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आईपीएल में आरसीबी नहीं खेलेगी। आईपीएल में बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बेंगलुरु ने कोहली को बताए बिना टीम का नाम बदल दिया है। विराट बोले, मदद चाहिए तो बताइए। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम अब तक आईपीएल का कोई भी खिताब नहीं जीत सकी है। विराट कोहली ने कहा, हमारी पोस्ट गायब हो रही है। इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने अपने कई सोशल मीडिया अकाउंट से प्रोफाइल और कवर समेत सभी फोटो हटा ली हैं। टीम ने गुरुवार को ट्वीट करके बताया कि उसने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब से फोटो हटा ली है। इसकी जानकारी आरसीबी के कप्तान विराट कोहली को भी नहीं दी गई। साथ ही आरसीबी ने अपना नाम भी बदलकर सिर्फ रॉयल चैलेंजर्स कर दिया है। इस पर कोहली ने हैरानी जताते हुए मदद की पेशकश की है। न्यूजीलैंड दौरे पर गए भारतीय कप्तान विराट कोहली ने गुरुवार को ट्वीट किया, पोस्ट हटा ली गई और इसके बारे में कप्तान को कोई जानकारी नहीं दी गई है। आरसीबी, यदि आपको किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत है तो मुझे बताएं। आरसीबी ने 2008 से अब तक आईपीएल इतिहास में कोई भी खिताब नहीं जीता है, यानी कि आरसीबी अब आईपीएल का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने भी आरसीबी के इस फैसले पर हैरानी जताई है। उन्होंने ट्वीट करके किया गया, अरे आरसीबी कहां गायब हो गई, ये क्या गुगली है, आपकी प्रोफाइल फोटो और इंस्टाग्राम पोस्ट कहां गई। आरसीबी और मुथूट फिनकॉर्प के बीच करार हुआ है। आरसीबी ने मंगलवार को मुथूट फिनकॉर्प के साथ स्पॉन्सर के तौर पर 3 साल के लिए करार किया है। इसके तहत खिलाड़ियों की जर्सी के सामने की तरफ मुथूट का लोगो लगाया जाएगा। घरेलू मैदान पर भी विज्ञापन नजर आएंगे। इस करार के अगले दिन आरसीबी का ये फैसला चौंकाने वाला है। सूत्रों की माने तो लोगों को लग रहा है कि आरसीबी की टीम में कुछ बदलाव होने वाले हैं। हो सकता है कि आरसीबी का नाम ही बदल जाए। अब आरसीबी का नाम आरसीबी नहीं रहेगा, हो सकता है सिर्फ रॉयल बेंगलोर हो जाए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं। दोस्तों